kids i am amreen Kagzi, the teacher of radiant international school today i am going to teach you general knowledge gk lesson number 31 outdoor and indoor games from your gk test Book. lesson number 32 playing time playing in the park from gk test Book. and lesson number 7 from your flower testbook playing time लेसन नंबर थर्टी वन आउटडोर गेम्स एंड इनडोर गेम्स सो किड्स आउटडोर गेम्स एंड इनडोर गेम्स इसमें आपको डिफरेंस पता है कि आउटडोर गेम क्या होते हैं एंड इंडोर गेम्स क्या होते हैं सो मैं आपको बताती हूँ इनडोर आउटडोर गेम्स आउटडोर गेम्स द गेम्स दट आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स ऐसे गेम्स जो ओपन ग्राउंड में हम लोग खेलते हैं सो उसे कहते हैं आउटडोर गेम जो हम घर के बाहर बड़े से मैदान में या ग्राउंड में हम खेलते हैं सो उसे कहते हैं आउटडोर गेम्स इट डिमांड्स यूज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनको हम खेलने के लिए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं मीन्स अपने दौड़ने के लिए रनिंग के लिए हम लोग अपने लेग्स को यूज करते हैं और फॉर uh, एग्जांपल अगर हम फिज़िकल गेम में हम खेल रहे हैं क्रिकेट कबड्डी हॉकी फुटबॉल गोल सो हमें इनको खेलने के लिए अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की यूज़ करना पड़ता है मतलब हमें रनिंग करनी पड़ती है जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें अपने हैंड से बैट को होल्ड करना होता है बॉलिंग के लिए अपने बॉल को बॉल को अपने हैंड्स में पकड़ कर उनको थ्रो करना होता है सो ये सब हम अपने फिजिकल जो पार्ट ऑर्गन्स होते हैं हमारे सो so, उनको हम यूज करके ये गेम्स खेलते हैं सो so, ये जो आउटडोर गेम्स होते हैं इन्हें हम ये फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी यूज करते हैं सो so, इस गेम में बहुत सारे गेम्स होते हैं हम खेल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कबड्डी हॉकी क्रिकेट फुटबॉल गॉल एंड मैनी अदर्स खो खो और, और डॉजबॉल वॉलीबॉल ये सारे गेम्स जो होते हैं ये आउटडोर गेम्स होते हैं इन्हें हम घर में खेल सकते हैं नो घर में अगर आप ये सब गेम खेलोगे तो मम्मी आपको डांटेगी कि ये सब गेम्स तो हम घर में खेल ही नहीं सकते पॉसिबल ही नहीं है इन्हें खेलने के लिए हमें ग्राउंड पर जाना पड़ता है और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो हमें जो होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं मीन्स हमें जैसे क्रिकेट खेलना होता है तो उसके लिए हमें बैट जरूरी है बॉल जरूरी है ये नेसेसरी थिंग है उसकी बेसिक है बेसिक नीड कि हमें क्रिकेट खेलने के लिए बैट और बॉल तो चाहिए वैसे ही फुटबॉल खेलने के लिए हमें एक बॉल चाहिए फुटबॉल चाहिए हॉकी खेलने के लिए हमें हॉकी स्टिक चाहिए विदाउट हॉकी स्टिक हमें गेम को खेल ही नहीं सकते वी कान प्ले है ना सो so, और इसमें ग्रुप भी चाहिए होता है बहुत सारे प्लेयर्स भी चाहिए होते हैं खेलने के लिए है ना तो ये जो सारे गेम्स होते हैं ये होते हैं आउटडोर गेम्स एंड नाउ व्हाट इज इंडोर गेम्स सो so, इंडोर गेम्स इसके आउटडोर गेम्स के अपोजिट होते हैं द गेम दैट आर प्लेड विदिन अ क्लोज एनवायरनमेंट इंडोर गेम्स जो होते हैं वो हम क्लोज एनवायरनमेंट में खेलते हैं मतलब जहां हम घर के अंदर उसे खेल सकते हैं इंडोर घर के अंदर इन्हें हम आराम से बैठकर खेल सकते हैं इट डिमांड्स यूज ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ और ये गेम खेलने के लिए हमें मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है मतलब हम अपने इंटेलिजेंस uh, को यूज करते हैं अपने दिमाग का यूज करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करके हम इस गेम्स को खेलते हैं इस गेम ये कौन से कौन से गेम्स होते हैं अब इंडोर गेम्स में फॉर एग्जांपल चेस कैरम कार्ड्स लूडो और बहुत सारी गेम्स होते हैं सांप सीढ़ी होती है है ना कार्ड्स होते हैं बहुत कार्ड्स तो बहुत टाइप के होते हैं ऊनो होता है और ये सारे गेम्स जो होते हैं ये कार्ड्स गेम होते हैं और चेस जो होता है ये भी मेंटल स्ट्रेंथ हम यूज करते हैं सो so, ये सारे गेम्स जो होते हैं ये इंडोर गेम्स होते हैं हम इन्हें घर में आराम से बैठ खेल सकते हैं सो so, आपको अब ये इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स का डिफरेंस समझ में आ गया चलो अब हम कुछ इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम को स्टडी करते हैं सो किड्स इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम्स में कौन से कौन से गेम्स होते हैं सी दिस पिक्चर इस पिक्चर में ये दोनों किड्स कौन से गेम खेल रहे हैं ये है कैरम बोर्ड ये कौन सी गेम है कैरम बोर्ड नेक्स्ट इज ओह क्या आप जानते हो ये कौन सा गेम है कभी किस अपने खेला है ये गेम ये गेम है चेस इसमें दो प्लेयर्स हम खेल सकते हैं चेस को और चेस में दो प्लेयर्स खेलते हैं एक के जो टीम होती है उसका कलर होता है व्हाइट और अदर का ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट ये चेस बोर्ड होता है इसे हम चेस खेल सकते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है अगर आपको नहीं आता है ये गेम खेलना तो आप जरूर जरूर आप किसी अपने एल्डर से अपने बड़े से ये गेम सीखना और जरूर खेलना बहुत अच्छा गेम होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है नेक्स्ट इज गोल्फ अब ये जो है ये आउटडोर गेम है ये इसका नेम होता है गोल्फ सो so, इसमें एक गोल्फ खेलने की एक स्टिक होती है जैसे हॉकी की स्टिक होती है ना वैसे ही मेटल लेकिन हॉकी स्टिक वुड की होती है ये मेटल की स्टिक होती है और ये बहुत बड़े सा जो एक ग्राउंड होता है जिसमें छोटी छोटी हील्स होती है टीले होते हैं सो so, उसमें हम इस गेम को खेलते हैं और इसके लिए हमें बहुत बड़ा ग्राउंड रिक्वायर्ड होता है सो so, ये एक आउटडोर गेम है इसका नेम है नेक्स्ट इज ओ आप तब तो जान ही गए होंगे ये कौन सा गेम है ये एक आउटडोर गेम है जिसका नेम है बास्केटबॉल बास्केटबॉल जो गेम होता है इसमें ये जो है ये बास्केट होती है एक स्टैंड पर बड़े से स्टैंड पर ये एक बास्केट होती है इसमें फाइव प्लेयर्स होते हैं और हमें इस बॉल को इस बास्केट के अंदर थ्रो करना होता है सो so, ये गेम है एक आउटडोर गेम इसका नेम है बास्केटबॉल नेक्स्ट सो so, किड्स बताएं आप मुझे इस गेम में ये जो दोनों किड्स है ये क्या कर रहे हैं इस बॉल को इसको किक कर रहे हैं सो so, और पीछे एक यहाँ पर एक नेट दी है ये सो so, ये कौन सा गेम है आप तो पहचान ही गए होंगे हम पे, हम जो लेग से कौन से गेम को गेम में बॉल को किक करते हैं फुटबॉल यस yes. और फुटबॉल गेम खेलने के लिए एक बड़ा सा ग्राउंड रिक्वायर्ड होता है और हमें बॉल भी हो चाहिए होता है बॉल खेलने के लिए सो so, ये कौन सा गेम है ये एक आउटडोर गेम है सो so, इसका नेम है फुट नेक्स्ट इज ओ यहाँ तो कुछ कार्स है स्पोर्ट्स कार है सो so, ये गेम है कार रेसिंग जो कार रेसिंग आपने कभी टीवी पर टेलीविजन पे देखी है आपने स्पोर्ट्स चैनल पे होता है ये कार रेसिंग बताता है इसमें बहुत बड़ा मतलब एक रोड वे होता है और अलग अलग उसमें डिफरेंट ऐसे कर्व्स होते हैं मतलब टर्निंग्स होती है ऐसा कर रोड होते हैं उसमें अलग बहुत डिफिकल्ट सी टर्निंग होती है और एकदम फास्ट ये ड्राइव होती है सो so, ये जो होती है ये कार रेसिंग गेम है ओके नेक्स्ट इज स्क्रैबल ये एक गेम होता है स्क्रैबल जिसमें एक बोर्ड होता है ये इंडोर गेम है ये इसमें हम आराम से अपने सिबलिंग्स के साथ में अपने अपने बहन भाई के साथ में बैठकर हम खेल सकते हैं मम्मी पापा के साथ और इस गेम को खेलने से हमारी वोकेब्लोरी भी इंक्रीज होती है वोकेबुलोरी भी बढ़ती है अब कैसे बढ़ोगी आपकी वोकेब्लोरी वो इस गेम में अल्फाबेट्स होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं और हमें इनसे अपना एक न्यू एक वर्ड फॉर्म करना होता है और उन्हीं वर्ड से रिलेटेड हमें अल्फाबेट को ज्वाइन करके नए नए वर्ड्स बनाने होते हैं सो so, इससे हमारी वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है और ये एक मेंटल स्ट्रेंथ गेम है माइंड गेम है ये आप ज़रूर खेलिएगा बहुत अच्छा गेम होता है ये इससे ये स्टडी की स्टडी भी होती है और गेम का गेम होता है नेक्स्ट इज एवरी वन दिस गेम क्रिकेट सो क्रिकेट इज गेम ये तो आप होंगे ये है क्रिकेट और ये भी एक आउटडोर गेम है ओके okay? सो so आपने यहाँ आउटडोर गेम एंड इंडोर गेम्स का डिफरेंस समझ लिया और बहुत सारे हमने डिफरेंट गेम्स भी देख लिए सो so अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं द क्वेश्चन इज मैच द गेम्स टू देयर पिक्चर बाय यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो राइट आई फॉर इंडोर गेम्स एंड ओ फॉर आउटडोर गेम्स राइट बी इफ अ गेम इज प्लेड बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स ओके किड्स सो आपको यहां करना ये यह है ये जो भी पिक्चर्स यहाँ दिए गए है गेम्स के सो so हमें यहाँ पर हमें राइट डाउन करना है इस गेम का क्लू बॉक्स को हमें यूज करना है यहाँ सारे गेम्स के नेम दिए हैं सो उसका हमें जैसे ये गोल्फ है फर्स्ट पर सो so हमें गोल्फ का ए नंबर पर है सो so हमें यहाँ पर गोल्फ में ए यहाँ पर राइट डाउन करना है और अगर ये गोल्फ आउटडोर गेम है तो हमें ओ राइट डाउन करना है और अगर इनडोर गेम है तो हमें आई राउट आई डाउन करना है ओके okay? और अगर ऐसा गेम है जो हम इंडोर एंड आउटडोर दोनों भी इसको खेल सकते हैं तो हमें उसके लिए राइट डाउन करना है बी सो so, चलो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ये गेम कौन सा है किड्स मैंने अभी आपको बताया ये है गोल्फ वेरी गुड सो हमें यहाँ पर क्लू बॉक्स में सर्च करना है गोल्फ कहाँ लिखा है ये रहा नंबर वन पर सो so, इसका नंबर है ए सो so, हमें इस बॉक्स में ए राइट डाउन करना है एंड ये आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है आउटडोर गेम है सो so, हमें ओ यहाँ पर राइट डाउन करना है ओ आउटडोर गेम ओके नंबर टू कैरम बोर्ड वेरी गुड सो वेर इज कैरम बोर्ड यहाँ पर है नंबर एफ पर सो so, आपको यहाँ एफ राइट डाउन करना है और कैरम बोर्ड एक इंडोर गेम है सो so, यहाँ पर इंडोर के लिए आए नंबर थ्री चेस सो वेर इज चेस सर्च 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 या, ये रहा चेस ई सो हमें यहाँ पर ई एक बॉक्स में ई राइट डाउन करना है और यहाँ कैरम एक जो चेस है ये एक इंडोर गेम है सो आपको यहाँ पर आई राइट डाउन करना है गुड आप पहचान गए होंगे बास्केटबॉल सर्च वेर इज बास्केटबॉल बॉल रिटर्न हि जी जी नंबर पे बास्केटबॉल है सो यहाँ आपको जी एंड बास्केटबॉल इज अ आउटडोर गेम टू राइट हियर ओम फुटबॉल डी सो डी एंड आउटडोर गेम ओम सी सी इट इज आउटडोर गेम सो राइट डाउन ओम कार रेसिंग कार रेसिंग एच एच पर है ना कार रेसिंग यहाँ पर सो एच एंड आउटडोर गेम है इसलिए O, B, Scrabble, जो है ये है ये पर पर, so, so, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है थर्टी टू प्लेइंग टाइम सो किड्स यहाँ आपको एक पिक्चर दिया गया है जो है एक पार्क का पिक्चर पार्क में आप जाते हो ना गार्डन में जब हम ये सारे गेम्स हम खेलते हैं सो so, हमें यहाँ पर एक छोटी सी पोयम दी है चलो मैं आपको पोयम सुनाती हूँ मैरी गो राउंड गो राउंड एंड राउंड सी स्टॉस टू गो अप एंड डाउन जंगल जिम टू मेक अ स्टॉल स्विंग इन प्लेंटी फॉर वन एंड ऑल

कुछ पाके इंस्ट्रूमेंट का जो है प्लेइंग आइटम्स के हमें नेम है इसका क्लू बॉक्स है ये फॉर एग्जांपल सो हमें इसमें कौन सी कौन से नेम्स जो गेम्स के नेम आए हैं सो so हमें वो राइट डाउन करने हैं ओके नंबर वन इज पहले स्लिपरी स्लाइड ऑन विच वी ग्लाइड स्लिपरी स्लाइड सो स्लिपरी स्लाइड जो हमें यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे स्लिपरी स्लाइड क्योंकि ये है ही स्लिपरी साइड हम इस इसपे क्या करते हैं क्लाइड करते हैं हम इस इसपे फिसलते हैं सो फर्स्ट इज स्लिपरी साइड सेकेंड मंकी बार मोर फन देन कार्स मंकी बार यस ये नेक्स्ट आइटम जो प्लेइंग आइटम है ये है मंकी बार ये राम मंकी बार यहाँ पर आ इसमें हम क्या करते हैं यहां पर हम इसमें खेलते हैं ये बहुत मजेदार चीज होती है इसमें इसको इस पे लटकने से हमारी हाइट भी बढ़ती है सो so, ये है मंकी बार नेक्स्ट मी बारिगो गो राउंड एंड राउंड मैरी गो राउंड ये रहा मैरी गो राउंड सो यहाँ पर हमें राउट डाउन करेंगे नंबर थ्री मैरी गो राउंड नाउ नंबर फोर सी सो टू गो अप एंड डाउन सीसॉ ये रहा सीसॉ ये कैसा होता है अप एंड डाउन होता है सो नंबर फोर इज सीसॉ नंबर फाइव जंगल जिम टू मेक अ स्टॉल ये रही जंगल जिम यहाँ पर लटकने से हमारी हाइट बढ़ती है हम टॉल होते हैं सो so, ये है जंगल जिम नंबर सिक्स प्लेइंग इन अ पार्क इज ग्रेट फन वी कैन ऑल्सो स्कीप एंड रन स्विंग है स्विंग्स इन प्लें स्विंग्स है ये एक बहुत कम होती है ना गार्डन में लेकिन हम सब इसको खेलना पसंद करते हैं ऑलवेज आपने पार्क में देखा होगा जहां पर स्विंग्स होती है वहां पर किड्स की लाइन लगी होती है स्विंग्स को खेलने के लिए सो so ये सारे थे हमारे प्लेइंग आइटम्स के नेम थे जो हमने राइट डाउन कर लिए है यहाँ पर से हमने पहचान कर विच इज स्लिपरी स्लाइड मंकी बार राउंड जंगल जिम एंड स्विंग्स ओके सो आपको इसे ऐसे ही राइट डाउन करना है सो योर फ्लावर फ्लावर बुक पेज नंबर 184 पे ये एक्सरसाइज दी है सो द पिक्चर नंबर वन इज ये कौन सा गेम है kids? आई एम श्योर sure आप पहचान गए होंगे ये कौन सा गेम है स्नेक एंड लेडर सैप सी सो ये भी एक इंडोर गेम है नंबर टू ये प्लेयर ये तो लूडो है आप तो जानते ही होंगे मुझे पता है आप सब लूडो कभी ना कभी खेला होगा सो so ये है एक इंडोर गेम्स लूडो नाउ नंबर थ्री कैरम बोर्ड So, ये है कैरम बोर्ड ये भी एक इंडोर गेम है आप जानते ही होंगे इस गेम को चेस मैंने अभी अभी आपको बताया इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स में ये है एक इंडोर गेम जिसका नेम है चेस इसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो टीम होती है और यहाँ पर बॉक्सेस भी होते हैं सो so ये है चेस सो किड्स द क्वेश्चन इज विच बोर्ड गेम दे आर दे प्लेइंग ड्रॉ लाइन्स टू मैच द पिक्चर विद द गेम्स यहाँ हमें ये किड्स जो बोर्ड गेम खेल रहे है हम उस बोर्ड गेम को हमें पहचानना है और इसके करेक्ट नेम के साथ इसको मैच करना है जो यहां पर इसके नेम दिए गए है ओके नंबर वन इज ये कौन सा गेम है किड्स ये है स्नेक एंड लेडर्स सो हमें इसको इसके नेम के साथ इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मैच करना है स्नेक एंड लेडर्स नंबर टू लूडो वेरी गुड आप तो जान गए होंगे ये लूडो है सो so, हमें इसके नेम के साथ इसको मैच करना है लूडो नंबर थ्री कैरम वेरी गुड ये कैरम बोर्ड गेम है सो so, हमें इसको इसके नेम के साथ मैच करना है कैरम नंबर फोर चेस ये ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड गेम जो है ये है चेस सो so, हमें इसको इसके नेम के साथ इस तरह से मैच करना है चेस सो so, हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गुड बाय स्टे होम बी सेफ